आज मैं बात करने वाला हूँ सुपर 30। सुपर 30 का नाम मैं बहुत समय से सुनते आ रहा हूँ। जब हम कॉलेजेस में थे सुपर 30 का नाम सुना करते थे, आनंद सर के आर्टिकल पढ़ा करते थे, अखबारों में आते थे। 30 बच्चों को पढ़ाता है, वो सारे के सारे गरीब है और उनको वो IIT तक पहुंचाता है। और मैं उनका बहुत बड़ा फैन था यार। ये कोई छोटी बात नहीं कि 30 बच्चों को फ्री में पढ़ाना, और उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता ये सब चीजें जो उन्होंने की। तब ज्यादा दुख हो रहा है। वो लोग वो जो कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट में, वो गलत, सारा कुछ गलत काम हो रहा है वहां पे। उन्होंने एक दूसरी संस्था बना रखी है रामानुजन के नाम से, ऐसे कुछ नाम है उनके नाम से, और वहां पर आनंद सर बच्चों को भेजते हैं और उनसे 32,000 से 33,000 रुपया पर स्टूडेंट लिया जाता है एक साल का। रिपोर्ट्स को ध्यान से देखें तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनमें से बहुत 30 छोड़िए, 10 छोड़िए, 5 बच्चों का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार जो एलिगेशन लगे हैं उनके एक्स स्टूडेंट के द्वारा लगाए गए हैं, उनमें यह कहा गया है कि 30 में से उन्होंने इस बार क्या हुआ, फिल्म आ रही है ना, फिल्म आने के चक्कर में, क्योंकि अगर 30 में से कुछ सिलेक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो उनका इमेज डाउन हो जाएगा, मूवी कैसे बनेगा, मूवी बन रहा है। तो उन्होंने 26 बच्चे दिखा दिए कि हमारे यहां से IIT के अंदर 26 बच्चे सेलेक्ट हुए, जबकि एक्स स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनमें से जितने 26 बच्चों में से जो भी उन्होंने नाम लिए, उनके पूरे बैच में से सिर्फ 3 बच्चे ही सेलेक्ट हुए, 26 नहीं हुए पहली बात तो, जिसमें से 2 बच्चे SC ST कैटेगरी से या OBC कैटेगरी से गए हैं, मतलब उनका रैंक नहीं आया है। और एक बच्चा जरूर है जो कि एडवांस में क्लियर किया, लेकिन उसके मार्क्स इतने कम थे कि उसको IIT मिला ही नहीं। यह भी एक सच्चाई है।